वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसे हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे। जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम लोग ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर नंबर 1-5 सिखाया पहले वो देखो और फिर ये लेक्चर नंबर 6 देखो, तभी आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी ये उन्होंने इलस्ट्रेशन 5 दिया, एक साइड प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 June 2018। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइम रेशियो फाइंड आउट करना है एंड सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले टाइम रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या दिया है उन्होंने, टाइम रेशियो क्या दिया है उन्होंने, पहले देखना है कि अकाउंटिंग ईयर क्या है। अकाउंटिंग ईयर क्या दिया है उन्होंने, 30th March। इसका ही मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब से होगा, अगर 31st March होता है तो स्टार्ट होगा अप्रैल से। तो देखो अप्रैल एंड मार्च इनकॉर्पोरेटेड कब नहीं बोला है, 30 June, तो 30 June, तो ये अप्रैल से 30 June है, उसको हम कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और जुलाई से लेके मार्च तक जो है उसे हम कहेंगे पोस्ट। तो अब काउंट करो, अप्रैल से जून, अप्रैल, मई एंड 30 June, पूरे 3 months होते हैं, और यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 9 months होते हैं। तो ठीक है, या तो 3:9, इसको और थोड़ा हम कन्वर्ट करेंगे तो 1:3, तो हमारा टाइम रेशियो हो गया 1:3। नाउ सेल्स रेशियो देखते हैं हम। अब सेल्स रेशियो में उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट दी है सेल्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट, इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट, एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम जुलाई, वन सेकंड हाईलाइट करने दो मुझे, ओके, एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम जुलाई, मतलब ये प्री के बाद पोस्ट डबल देन द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है, जो पोस्ट पीरियड है उसमें सेल्स उनकी डबल हो गई। प्रीवियस में अगर 1 रुपया रहेगी उनकी सेल्स, तो पोस्ट में उनकी 2 रुपीज हो गई है। तो देखो मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो अगर प्री एंड पोस्ट, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि पोस्ट में डबल हो गई, तो प्री में अगर 1 रुपीज रहेगी उनकी सेल्स, एग्जाम्पल 1 रुपीज रहेगी, तो पोस्ट में डबल हुई मतलब 2 रुपीज हो गई, ठीक है। सो 1 है इन 2, कितने मंथ्स है प्री के, 3 मंथ्स, हमने टाइम रेशियो के बाद काउंट किया है तो 3 मंथ्स, और पोस्ट के कितने है 9 मंथ्स, तो इन 2 9, तो इसका आंसर 3:9। इसको अगर और हम छोटा करेंगे तो इसका, सॉरी 18 ना, ये 18, 2:9 आंसर 18 आता है, ओके, तो 3:18, तो हम इसको फिर और थोड़ा छोटा करेंगे तो 1:6, तो हमारा सेल्स रेशियो आता है 1:6, ओके। आई होप आपको समझ में आया है, चाहिए तो वीडियो पॉज करो, खुद एक बार ट्राई करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे किया है, प्रिंट स्क्रीन निकालो वरना, देखो ये हमारा प्री पीरियड है 3 मंथ्स का, और ये हमारा पोस्ट पीरियड है 9 मंथ्स का, ठीक है। 1 रुपया अगर यहाँ पे है तो 2 रुपया इधर है, क्योंकि डबल है, उन्होंने डबल कहा है। अगर उन्होंने कहा था ट्रिपल तो हमने यहाँ 3 लिखा होता, अगर उन्होंने कहा था 4 times तो हमने यहाँ 4 लिखा होता, ठीक है। तो ध्यान से आपको रीड करना है, फिर मंथ से हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट द आंसर 3:18। इसको और शॉर्ट में अगर हम करेंगे तो 1:6। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। ग्रॉस प्रॉफिट से हमेशा स्टार्ट करना होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब इनकम, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट, ऑलमोस्ट और लेक्चर में देखो, सब लेक्चर में मैं आपको बार बार बता रही हूँ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इनकम है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे प्री एंड पोस्ट में, जीपी ऑलवेज डिवाइड अमंग ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन, सो सी हियर 1:6। नाउ रेंट है, अब रेंट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट है क्या आपको देखना है, सो देखो एडजस्टमेंट दी है फोर्थ वन, अगर आप देखोगे फोर्थ वन एडजस्टमेंट टेक्स्ट बुक में देखोगे तो देखो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो भी रेंट हम हमेशा टाइम में ही करते हैं, ठीक है। सो अगर नहीं दिया होता तो हमने यहाँ पे टाइम लिखा है, लेकिन एडजस्टमेंट में उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्चुअल लिखा है, ओके। सो टाइम बेसिस हमने फाइंड आउट किया है, ओके। सो फाइनली वी गेट द इनकम। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सपेंडिचर। फर्स्ट कमीशन टू द टर्नओवर, सेल्स पे होता है हमेशा कमीशन, तो सेल्स रेशियो क्या दिया है 1:6, तो डिवाइड करो
देन रेंट एंड टैक्सेस। अब ये उन्होंने एडजस्टमेंट दी है और ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या है। देखो टोटल रेंट और टैक्सेस है 3250। ओके लेट मी क्लियर, ये पहले सब मुझे क्लियर करने दो, आपको समझ में आएगा। ओके अब ध्यान से आप पहले एडजस्टमेंट पढ़ोगे। देखो यहाँ ऊपर मैंने कॉपी पेस्ट किया, एडजस्टमेंट क्या दिया है, रेंट अप टू 30 जून पे 200 पर मंथ। ठीक है, अप टू 30 जून जो है उन्होंने वो पेड किया है 200 एज पर मंथ। ओके और उसके बाद जो है ना वो इंक्रीज बाय 50 पर मंथ, मतलब 250 हुआ। ठीक है, तो अब अपन करते हैं पहले प्री। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट, आप वर्किंग नोट में लिखो कि रेंट प्री एंड पोस्ट। अब प्री के कितने मंथ्स है, अब कैलकुलेट करो प्री के कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स है ना, हमने टाइम रेशियो में किया है, तो 200 इनटू 3 मंथ्स। तो प्री में हमने रेंट कितना पेड किया, 600। पोस्ट में क्या बोला है उन्होंने कि 250 है ना, 250 यहाँ पे दिया है कि 30 जून के बाद, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च, 9 मंथ्स वो 250 से पेड किया। तो 250 इंटू 9, तो 250 इंटू 9 आता है 2250। तो टोटल रेंट देखो ये है प्री का रेंट, ये है पोस्ट का रेंट, तो ऐसा टोटल रेंट हमने पेड केस कितना किया, 2850। आया समझ में? लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे तो 3250 दिया है, बट हमारा तो रेंट पूरा टोटल रेंट आया है 2850, लेकिन यहाँ पे टोटल दिया है 3250। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो टैक्स भी तो इसमें इंक्लूड है, हमने तो सिर्फ रेंट का कैलकुलेशन किया है जो रेंट है 2850, लेकिन यहाँ पे टैक्स भी दिया है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, कितना डिफरेंस आएगा दोनों का, 400। देखो तो टैक्स है, अब दोनों की अगर टोटल करते हो 2850 प्लस 400, तो आपका आंसर बराबर 3250 आएगा। ठीक है, तो टैक्स को भी तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्री एंड पोस्ट में, तो टैक्स हमेशा हम टाइम पे कंसिडर करते हैं, टाइम पे। तो देखो कितना आएगा, 1:2 से अगर हम करेंगे तो प्री आएगा 100 एंड पोस्ट आएगा 300। ओके अगर टाइम बेसिस पे करते हैं 1:3, हाँ मैंने यहाँ पे 1:2 लिखा है, सॉरी टाइम रेशियो 1:3 है, देखो यहाँ पे। ओके सो 1:3 से अगर हम डिवाइड करते तो 100 एंड 300। तो चलो ऑलरेडी रेंट ये 600 रेंट है, उसमें प्री का टैक्स भी मिला दो तो ये हो गया पूरा 700। पोस्ट ये रेंट है, इसमें अब हमारे 300 टैक्स के मिला दो तो ये हो जाएगा 2550। तो ये हमें खर्चे लिखने हैं, तो 700 प्री के जिसमें इंक्लूड है रेंट एज वेल एज टैक्स, और ये है पोस्ट का खर्चा जिसमें इंक्लूड है रेंट एंड द टैक्स। सो देखो करो यहाँ पे, देखो आ गया बराबर से, अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो पॉज करो, एक बार ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। और जो जो डिफिकल्ट, हर एक प्रॉब्लम में ऐसे कुछ तो एक ट्रिकी एडजस्टमेंट दी है, उसको सॉल्व मत करो, मतलब एग्जाम के वक्त और एक दो बार प्रैक्टिस करो। ओके वैसे देखा तो इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। ऑफ कोर्स सेल्स पे होता है तो करो सेल्स पे, डीप साइड फटाफट डिवाइड करो। देन ट्रैवलिंग अलाउंस, ऑफ कोर्स नाउ ट्रैवलिंग है लेकिन किसको दिया है, डायरेक्टर साहब को दिया है, एंड डायरेक्टर ये पोस्ट कब क्रिएट होती है, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये पूरा के पूरा उसका ट्रैवलिंग अलाउंस जो डायरेक्टर को किया है वो पोस्ट करना है। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन, टाइम पे होता है तो टाइम बेसिस पे करो। नेक्स्ट ब्रोकरेज सेल्स पे होता है तो सेल्स बेसिस पे करो। नेक्स्ट मैनेजर मैनेजमेंट सैलरी, देखो मैनेजमेंट सैलरी ये भी टाइम पे होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो टाइम पे करो। ओके नेक्स्ट वन टेंडरिंग एक्सपेंसेस, सो टेंडरिंग एक्सपेंसेस सेल्स पे होता है, रिपेयर टू बिल्डिंग टाइम्स पे होता है, देखो ठीक है। टेंडर करना, टेंडर भरते हैं ना हम लोग बजट, सो वो सेल्स पे डिपेंड होता है, तो टेंडरिंग एक्सपेंसेस सेल्स बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करो और रिपेयर टू बिल्डिंग टाइम पे करो। बैड डेट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होगी बैड डेट्स की, तो ये दी है, देखो एडजस्टमेंट दी है बैड डेट्स ऑफ 1050
टू सेल्स अफेक्टेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन। डायरेक्ट आंसर ही दिया है कि जो टोटल बैटेड से 1550 उसमें से 1050 जो है वो प्री है, तो बचा हुआ क्या रहेगा? ऑफ कोर्स पोस्ट रहेगा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, हो गया। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब नाउ प्रोविजन हमेशा हम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, प्रोविजन ये वर्ड याद रखना है, ठीक है? सो आफ्टर डायरेक्टली प्रोविजन हमें पोस्ट में करना है। देन अलाउंस टू द डेटर्स, सेल्स पे होता है डेटर्स, कस्टमर डेटर्स मतलब, तो हो गया। सी वेरी सिंपल डन। एंड कर दो प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड आउट कर दो ये दोनों की टोटल क्रेडिट, ये आती है बोथ साइड लिखो, ये सब खर्चा आप माइनस करोगे, इसकी खर्चे की टोटल कितनी आती है आप कर लो एक बार कैलसी पे, कि टोटल इसकी आएगी 35,830। अगर इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो विल गेट प्रॉफिट, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। सेम अबाउट दिस, इसकी दोनों की टोटल यहाँ पे लिखो, फिर इसमें से ये सब हमारा एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस की टोटल आती है 8810। तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करो वी गेट कैपिटल प्रॉफिट। क्यों कैपिटल? बिकॉज दिस इज अ प्री इनकॉर्पोरेशन। अगर ये दोनों की टोटल करोगे तो बराबर 40,000 आएगी। देखो क्वेश्चन में भी नेट प्रॉफिट 40,000 ही दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।